हेलो एवरीवन एक बार फिर से स्वागत है आपका वंस स्मार्ट क्लासेज जयपुर में सीएमए इंटर डायरेक्ट के एमसीक्यू कर रहे थे हम 180 तक एमसीक्यू हम कर चुके थे तो चलिए उसके आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 181 लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन थर्टी फाइव कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को कौन सी इनकम से एडजस्ट किया जा सकता है? तो नो स्पेसिफाइड बिजनेस की लॉस को स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ किया जा सकता है तो आंसर वुड बी सी इनकम फ्रॉम अदर स्पेसिफाइड बिजनेस नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं हो सकता तीन इनकम ऐसी हैं जो अपने आप से ही सेट ऑफ होती है मैं करवा देता हूं आपको स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस से ही होता है, का से uh, लॉस उसी एक्टिविटी से चलिए नेक्स्ट सुनिए टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट किस रेट से डिडक्ट होना है फ्रॉम इंटरेस्ट पेबल टू ए रेजिडेंट अज्यूमिंग पेन डिटेल्स आर अवेलेबल मतलब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज या इंटरेस्ट पेबल जो होगा उस पर टीडीएस किस रेट से कटेगा अगर पेन अवेलेबल है तो टेन परसेंट ठीक है टेन परसेंट से कटेगा सर पहले क्या होता था काफी टाइम पहले कि जब टी डी कटता था तो उसमें एच वगैरह शामिल होते थे अभी नहीं है अभी सिर्फ नॉन रेजिडेंट के केस के में एच ई शामिल किया जाता है और बाकी के केसेज में एच शामिल नहीं होता है टी काटने के लिए ठीक है आगे चलिए क्वेश्चन नंबर वन टैक्स इज रिक्वायर टू बी कलेक्टेड ऑन सेल ये पहला क्वेश्चन आया है टीसीएस का टैक्स टू बी कलेक्टेड ऑन सेल ऑफ किस चीज को बेचने पर टीसीएस लेना होता है सर टीसी तो लीकर पे टेंडोलि फॉरेस्ट पे फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे टिम्बर पे, पे गाड़ी जो दस लाख से ऊपर की है उसके ऊपर इन सब पे लेना होता है स्क्रेप पे माइनिंग पे टोल पे इन सब पे होता है तो यहाँ पे ऑप्शन है स्क्रेप लीकर

सिक्योरिटीज़ तो 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 और अदर केस में कोई मिलता है? तो पांच हजार से ज्यादा अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया इंटरेस्ट ऑन लोन की बात है तो अमाउंट हो जाएगा हमारा पांच हजार पांच हजार से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा और नहीं तो नहीं कटेगा क्वेश्चन नंबर वन ऑन सैलरी टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ ये अच्छा क्वेश्चन है देखिए कई इनकम ऐसी होती है जहाँ पे जो टी डी एस है वो पेमेंट टाइम पेमेंट के टाइम पर करता है और कई एक्सपेंसेज ऐसे हैं जिनपे टी डी एस जो है है ना कई एक्सपेंसिज ऐसे हैं जिनपे पेमेंट के टाइम पे करता है और कई एक्सपेंसिस ऐसे हैं जिसमें पेमेंट और क्रेडिट जो पहले हो जाए उस पर करता है सैलरी में जो टी डी एस करता है वो पेमेंट बेसिस पे करता है यहाँ पे क्रेडिट वाला कंसेप्ट काम में नहीं आता है जिस दिन सैलरी का पेमेंट होता है जिस टाइम सैलरी का पेमेंट होता है तब उस पर टी काटने की रिक्वायरमेंट होती है राइट right? <coughs> चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 186 पे क्या कह रहा है वेयर असेसमेंट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बिलेटेड रिटर्न बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 22 कैन बी फाइल्ड अप टू रिटर्न मतलब कहने का मतलब है बिलेटेड लास्ट से लास्ट कब तक भरी जा सकती है अगर असेसमेंट नहीं हुआ है तो तो ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी आया था फिर मैं बता दूं सेक्शन 139 थर्टी नाइन फोर डील करता है बिलेटेड रिटर्न के साथ जो कि कहते हैं थर्टी फर्स्ट दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवरिज अर्लियर जो पहले हो जाए अब इन्होंने बोल दिया कि सब असेसमेंट तो हुआ नहीं है तो ये वाली टाइमलाइन तो खत्म हो गई बची क्या थर्टी फर्स्ट दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर थर्टी दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर क्या होगा ऑप्शन डी थर्टी दिसंबर ऑफ टू था टू इकतीसंबर दो हजार बाईस तक आप मैक्सिमम रिटर्न भर सकते हैं राइट right? <coughs> चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन फॉलोइंग फॉर्म नंबर इज टू बी यूज फॉर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम बाय एन इंडिविजुअल

तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आईटीआर 3 नेक्स्ट आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर 188 विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2016 कोटिंग ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब पैन नंबर इज कंपल्सरी इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कहाँ पे जरूरी हो गया लिखना तो सेक्शन 139 ए जो है वो पैन नंबर की बातें करता है और वो बताता है इस बारे में कि सब कहाँ पे क्या-क्या लिखना जरूरी है किसको पैन नंबर लेना जरूरी है ये 139 ए में बताया गया है तो पेमेंट ऑफ एल आई पी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सीडिंग फिफ्टी थाउजेंड यस अगर आप पचास हजार से ज्यादा का एल आई सी प्रीमियम देते हैं तो वहां पे आपको मैंशन करने की जरूरत होगी सेल और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं टाइम डिपोजिट टू नहीं तो आंसर इज ए पेमेंट ऑफ एल आई पी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर आप पेमेंट कर रहे हैं पचास हजार रुपये से ज्यादा का तो आपको पैन नंबर कोट करना मैंडेटरी है आगे चलते हैं ये देखो इसमें बताने वाली कोई बातें नहीं है ये याद करने वाली बात है इसलिए मैंने इसको सीधा सॉल्व करवा दिया है आ जाइए क्वेश्चन नंबर लिमिटेड इनकम ईयर इंटर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू द नोटिस फॉर मेकिंग स्क्रूटनी नोटिस के बारे में पूछ रहे हैं स्क्रूटनी के अंडर सेक्शन वन फोर्टी कैन बी सर्व ऑन टू देखिए नोटिस जो है वो वन फोर्टी में जाता है असेसमेंट वो वन फोर्टी 143-3 में होता है ठीक है? और ये नोटिस का जबकि हमसे जो पूछा गया नोटिस के बारे में पूछा गया है। तो नोटिस जारी करने के टाइम क्या होती है उसके बारे में हमें बात करना है ठीक है इसमें भी अमेंडमेंट हो गया है इस बार तो इसको भी आप अमेंडेड आंसर लेके चलेंगे तो सुनिए क्या कहता है amended answer तो amended answers क्या हो जाएगा वो हम देखते हैं देखिए पहले क्या था जिस साल हम रिटर्न फाइल करते हैं उस साल के खत्म होने से छह महीने के अंदर अंदर विद इन 6 मंथ ये नोटिस आता था या आ जाना चाहिए था ऐसा था और अभी इसको कर दिया गया है 3 मंथ्स तो आई थिंक वो तो ऑप्शन ही नहीं होगा यहाँ पे ये तो पुराना क्वेश्चन है ठीक है तो आंसर इसका रहेगा इन्होंने रिटर्न कब भरी है थर्टियथ दिसंबर 2022 जो कि ईयर पूरा कब होगा थर्टी मार्च 2023 थाउजेंड यहाँ से तीन महीने कब तक होंगे अप्रैल मई जून तो डेट रहेगी 30 जून 2023 ये लास्ट डेट आएगी निकल के 30 जून 2023 ठीक है पहले ये छह महीने हुआ करता था तो पहले वाले प्रोविजन के हिसाब से अगर हम आंसर देखेंगे तो आंसर रहेगा बी ठीक है और अमेंडमेंट के हिसाब से देखेंगे तो 30 जून 2023 आंसर रहेगा

अगर दिसंबर तक की मैं बात करूं तो नौ महीने हो जाते हैं तो प्रीवियस ईयर के खत्म होने से नौ महीने तक बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न दोनों भरी जा सकती है तो विल बी, B, का इकतीस दिसंबर बोलो नौ महीने बोलो बात ही आगे चलिए सर क्वेश्चन नंबर वन नाइन वन फॉलोइंग इज नॉट ए केस ऑफ डीम्ड ओनरशिप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनमें से ऐसा कौन सा केस है जो हाउस प्रॉपर्टी में डीमरशिप में कवर नहीं होता है ठीक है, है तो पहला कौन सा नहीं आता है ट्रांसफर टू तो माइनर चाइल्ड फॉर इनकेट एडुकेट कंसिडरेशन ये भी आता है को ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ये नहीं आता है तो आंसर रहेगा हमारा क्योंकि इसके लिए तो अलग से जिसके अंदर बताया गया है कि डीम्ड को तो नॉट ओनरशिप इसलिए इसको अलग किया गया है। आगे आ जाइए सर। loss from derivative trading. Derivative trading में अगर हमें नुकसान हो जाता है तो वो किस तरीके का लॉस है देखिए ये एक कॉन्फ्लिक्टेड मैटर है प्रैक्टिकल लाइफ में थ्रेटिकल लाइफ में तो मैं आपको कह सकता हूँ कि सर ये कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन है या फिर ये स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन है ठीक है पर आ, वैसे कहेंगे तो ये स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है कि जब आप डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करते हैं तो जनरली आप क्या कर लेते हैं आप डिलीवरी नहीं लेते हैं ठीक है डेरिवेटिव में डिलीवरी नहीं लेते हैं तो इसलिए इसको स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन माना जाता है बट इट्स अ मैटर ऑफ क्या इट्स मैटर ऑफ प्रूफ क्या आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आ, ये ट्रेडिंग स्पेकुलेशन है या ये कैपिटल गेन है इन दोनों में से आपको ये शामिल करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा सर क्योंकि देखिए ये फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो एओ बोलेगा भैया ये बिजनेस है ठीक है आप कम ट्रांजेक्शन करते हैं तो हो सकता है आप उसको कैपिटल गेन के रूप में जस्टिफाई कर दें तो ये कॉन्फ्लिक्टेड मैटर है ठीक है थोरिटिकल पर्पज के लिए मैंने आपको बता दिया कि जनरली इसको स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन में लिया जाता है ठीक है और कई जगह इसे शॉर्ट टर्म में भी ले लिया जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में क्यों क्योंकि लॉस तो इन्होंने खुद बोल दिया लॉस तो इन्होंने खुद बोल दिया तो इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में भी लिया जा सकता है तो मैं दोनों लगा रहा हूं loss, अगर मैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम मानू तो और ज्यादा तो स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस राइट क्वेश्चन नंबर वन एन इंडिविजुअल एस्टिमेट दैट ही इज रिक्वायर्ड टू पे वन लैक एज एडवांस टैक्स इनको क्या लगता है कि इनका एक लाख रुपए एडवांस टैक्स बनेगा पूरे साल का बाय ऑफ दिसंबर हाउ मच अमाउंट मस्ट बी पेड बाई दिसंबर तक कितना पे कर देना होता है तो आपको वैसे मैंने बताया हुआ पंद्रह पैतालीस पिछहतर सौ ऐसा चलता है पहली किस्त में पंद्रह परसेंट दूसरे में पैंतालीस तक तीसरे में पिचहत्तर तक और चौथी में हंड्रेड परसेंट तो यहाँ पे थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं तो इस हिसाब से जाना चाहिए थर्ड इंस्टॉलमेंट तक आगे जाइए नंबर वन नाइनटी फोर 194 कहता है सेक्शन 80 आर जो रॉयल्टी ऑन पेटेंट की बात करता है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील विद द डिडक्शन फ्रॉम द जीटीआई इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम बाय वे ऑफ सिंपल सा यही पूछा है किस इनकम से रिलेटेड है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ रॉयल्टी ऑन पेटेंट तो पहला ऑप्शन ठीक है रॉयल्टी ऑन ऑथर नहीं आएगा रॉयल्टी ऑन पेटेंट आ जाएगा रॉयल्टी ऑन पेटेंट के साथ भी जो है वो रॉयल्टी ऑन बुक्स मतलब के लिए बात करता है और आर आर भी है वो रॉयल्टी ऑन पेटेंट की बात करता है तो इसलिए यहां पे आंसर हो जाएगा सी आगे सर सेक्शन 195 uh, sorry, 195 क्वेश्चन इनकम टैक्स टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू हाउ मेनी परसेंट

टेन थर्टी टू में कितनी है तो सर अगर हम आ, किसी माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब करते हैं तो तक तक की तक की की पर चाइल्ड आपको रिडक्शन मिलती है तो पूरा पंद्रह सीधे पंद्रह बोलना तो गलत हो जाएगा पंद्रह तो नहीं बोल सकते पंद्रह सौ तक जितनी इनकम क्लब हुई वो या पंद्रह जो भी कम हो ऐसा बोल सकते हैं तो पहला पॉइंट तो गलत हो जाएगा दूसरा कह रहे हैं इनकम क्लब सब्जेक्ट टू मैक्सिमम फिफ्टीन हंड्रेड यस ये सही जवाब रहेगा कि जितनी इनकम क्लब हुई है उतनी पूरी डिडक्शन मिल जाएगी पर ज्यादा से ज्यादा डिडक्शन जो है वो पंद्रह सौ रुपए ही मिल सकती है <coughs> okay. आगे आइए सर वन नाइनटी सेवन रिबेट अंडर सेक्शन एट्टी सेवन एवन ए में जो बारह हजार पांच सौ रुपए की टैक्स रिबेट मिलती है क्या मिलती है टैक्स रिबेट अप टू तो रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड वो किसको मिलती है एनी पर्सन नहीं सर वो तो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है उसके अलावा किसी को नहीं मिलती है ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं 198 थर्ड ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें फर्स्ट ड्यू डेट पूछ रहा था अभी थर्ड पूछ रहा है पंद्रह जून 15 सितंबर पंद्रह 15 दिसंबर पंद्रह मार्च हमसे कौन सी तो हो गया दिसंबर। दिसंबर। तो भैया ये रहा ए, 15 दिसंबर. Right? आगे डील करता है किसके साथ डील करता है, Securities के करता है. के करता है? सर, ऐसे कैसे ए, मैंने आपको याद करवाया हुआ है देखो वन जो है अकाउंटिंग पॉलिसी टू है वैल्यूएशन थ्री किसका है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फोर किसका है

डिमांड नोटिस है ठीक है और 143 फोर्टी थ्री स्क्रूटनी ऑर्डर है या असेसमेंट है ठीक है और 147 ये है इनकम स्केपिंग बोल दीजिए इसको आप या इसका एक नाम और है और वो होता है रीअसेसमेंट ये दोनों 147 में कवर होते हैं तो राइट आंसर विल बी सेक्शन 147। आई होप आपको इन वीडियो से मदद मिल रही होगी आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ थैंक यू